25 KV वाले ओएचई क्षेत्र में काम करने वाले सिग्नल एवं दूरसंचार कर्मचारी हमेशा सतर्क रहें तथा ओएचई के लाइव वायर के संपर्क में आने से होने वाले खतरे के बारे में खुद को अवगत रखें। कोंकण रेलवे विद्युत दुर्घटना के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है, इसलिए ओएचई क्षेत्र में काम करने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए कोंकण रेलवे द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सिग्नल पोस्ट पर काम करते समय ओएचई उपकरणों से सुरक्षित दूरी पर रहें। जरूरी होने पर टीआरडी से पावर ब्लॉक एवं परमिट टू वर्क लेकर काम करें। स्टेशन यार्ड में काम करते समय सतर्कता बोर्डों का हमेशा पालन करें। किसी भी परिस्थिति में रेल की पटरियों को संट न करें। ओएफसी केबल या सिग्नलों के अन्य केबल का कार्य करते समय ओएचई के शॉक से खुद का बचाव करें। ट्रैक सर्किट अनुरक्षण के दौरान टीआरडी प्रतिष्ठानों की ट्रैक बॉन्डिंग अर्थिंग को डिस्टर्ब न करें एवं ट्रैक्शन कर्मचारियों की जानकारी के बिना ट्रैक सर्किट को न बदलें। ट्रैक सर्किट क्षेत्र में कार्य करते समय रबर के दस्ताने एवं इंसुलेटेड हैंडल वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। किसी भी परिस्थिति में कटे हुए ढीले या लटके कर्षण तारों को न छुएं और सामान्य परिस्थिति में स्टेशन मास्टर एवं टीपीसी को तुरंत सूचित करें। ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्र में काम करते समय खुले हाथों या बिना इंसुलेशन वाले उपकरणों के साथ टूटे रेल या ग्लूड जॉइंट को न छुएं। एक ही पटरी के इंसुलेटेड सेक्शन एवं नॉन इंसुलेटेड सेक्शन को किसी लोहे के वस्तु से या खुले हाथों से न जोड़ें। ओएचई क्षेत्र में स्टेशन पर कार्यरत सभी सिग्नल एवं दूरसंचार कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन करते समय उपरोक्त सभी सावधानियों का ध्यानपूर्वक पालन कर संरक्षापूर्वक कार्य करें तथा अपनी एवं अन्य व्यक्तियों की संरक्षा को सुनिश्चित करने में रेल प्रशासन का सहयोग करें। इस वीडियो से संबंधित किसी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।